जो लोग भी यहाँ पे देहरादून से देख रहे हैं ना, तो भाई 15 अगस्त तक तो यहाँ पे सारे व्लॉग्स देखना, और GoPro Hero 9 से मोटो व्लॉग करके भी ना मतलब मजा ही आती है। वाइब्रेशन देखो स्कूटी में, ये देखो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:31, और अभी मैं जस्ट नहा के आ रहा हूँ, मतलब पूजा वगैरह करके आ रहा हूँ। और अभी मुझे जाना है यहाँ पे पहले, मतलब घर में तो मैंने पूजा कर ली, बट अभी मुझे बालाजी के मंदिर जाना है जो कि मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो अभी मुझे वहाँ जाना है। बाकी देखेंगे, अगर वहीं से राइड पे जाएंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है ना। आज सुबह सुबह वैसे जल्दी उठ गया, मतलब जल्दी भी गया, 5:30 बजे उठ गया था मैं। बाकी कल सुबह का मेरे यहाँ पे प्लान था, मतलब कल वाली सुबह का, यस्टरडे वाली सुबह का कल मेरा प्लान था राइड पे जाऊँगा। तो कल मैं गया भी था, कैमरा लेके भी गया था, बट वही प्लान थोड़ा सा वहाँ मतलब व्लॉग नहीं बन पाया है। बाकी शाम का भी मेरा प्लान था कि शाम को मैं राइड पे जाऊंगा, बट शाम को भी वो प्लान कैंसिल हो गया। बाकी आज सुबह भी मुझे यहाँ पे एक व्लॉग अपलोड करना था 10 बजे, और टाइम देखो अभी 7:32 हो रहा है। तो अब मैं कब यहाँ पे व्लॉग बनाऊंगा, कब उसे एडिट करूंगा, तो आज तो नहीं हो पाएगा, तो आज देखूंगा मैं शाम को यहाँ पे व्लॉग डालूंगा। बाकी मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्लॉग की टाइमिंग में क्या रखूँ, तो भाई मैं सुबह डालूंगा, 10 बजे सुबह की टाइमिंग, ठीक है। आज नहीं डालूंगा, आज शाम को डाल दूंगा यार, क्योंकि आज यहाँ पे कल थोड़ा सा मतलब ऐसे बिजी से शेड्यूल हो गया था ना, तो नहीं व्लॉग बना पाया। बाकी अभी मैं रेडी होता हूँ, बाल मेरे गीले हो गए यार, तो हेलमेट पहनूंगा ना तो वो चिपचिपे टाइप के हो जाएंगे, तो हैंग की बांधना पड़ेगा बालों पे, पर ना मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाकी अभी चलते हैं बालाजी के मंदिर, और या आपको भी ले जाते हैं, एंड देखेंगे वहीं से कहीं राइड पे भी जाएंगे। बाकी यार मैं फटाफट रेडी होता हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, ये देखो मैंने टी शर्ट डाल दी, एंड मैंने हैंकी भी बांध लिया है, बिकॉज ना बाल अभी भी बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो हेलमेट के साथ पहनूंगा तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिप हो जाएंगे, फिर हेयर फॉल तो वैसे ही हो रहा है एंड और ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अभी शूज़ वगैरह डालते हैं और इस GoPro को यहाँ पे अपने हेलमेट पे सेटअप करते हैं, देन फटाफट यहाँ से भागते हैं, बिकॉज टाइम देखो 7:41 हो गया। तो यार फटाफट चलते हैं, एंड या मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉक पे। सो गाइस फाइनली रेडी, एंड अभी शूज़ डालते हैं यार। और हाँ आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अभी तो मैं यही वाले ले जाऊंगा अपने कैनवास, एंड अभी एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये देखो भाई मैंने न्यू स्नीकर्स बाई किए हैं, और कमेंट करना यार कैसे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। सिंपल से हैं, बिकॉज मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए इसमें, वैसे 4 कलर हैं, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक एंड एक क्रीम टाइप का, थोड़ा सा लाइट ब्राउन टाइप का, बाकी अच्छे लग रहे हैं वैसे। मेरे सॉक्स कहाँ गए यार। बाकी अभी सीधा आपको मिलते हैं स्कूटी पे। सो गाइस फाइनली मैं निकल चुका घर से, और टाइम हो रहा है 7:55। वैसे मुझे ना पीछे वाला रूट लेना था जो डायरेक्ट यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर में जाता है, जय माता दी, जो ब्रिज वाला रूट है ना जहाँ से मैं हमेशा ही जाता हूँ, तो वो डायरेक्ट वहाँ जाता है बालाजी के मंदिर में। बट अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह लेने थे ना, तो वहाँ कोई भी शॉप वगैरह नहीं रहती है, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने बोला हमेशा भी ऐसे कैसे जाए यार, मतलब कभी मैं फ्रूट्स वगैरह लेके जाता हूँ बटिया। और आज का वेदर ठीक है, मतलब बादल भी है और धूप भी है, अभी तो धूप लगी है वैसे, बट यार क्लाउड्स बहुत ज़्यादा यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ब्लैक भी है यार, बारिश पड़ने के आसार भी है, मेरे वहाँ जाने तक बारिश ना पड़े, मतलब अभी तो नहीं पड़ेगी यार क्योंकि अभी धूप लगी है ना, तो अभी तो कोई चांसेस है नहीं वैसे बारिश पड़ने के, और मुझे थोड़ा सा राइड भी करनी है यार वहाँ से आने के बाद। बाकी ये फिर से वही सीमेंटेड रोड यार, इस रोड से मैं मतलब इतना तंग आ चुका हूँ ना, इस रोड को मैं छोड़ भी नहीं सकता, हमेशा इसी रोड पे आना पड़ेगा, मतलब इस रोड पे अगर ना भी आना पड़े ना तो कभी भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ ना, तो भाई बीच में ये वाली रोड पड़ ही जाती है कुछ भी करके। और आजकल मैं हमेशा ग्लव्स भूल रहा हूँ यार, अपने ग्लव्स में इसलिए भी नहीं लाया क्योंकि मुझे तो मंदिर जाना है ना, मेन मोटो तो मेरा मंदिर का है, राइड पे तो मैं ऐसे ही जाऊँगा बस। राइड पे मतलब देखो मेरा ऐसा कि अगर राइड हो भी तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आज मैं अभी पहुँच चुका हूँ मार्केट में, और यहाँ तो सारी ना मुझे लग रहा है बंद है यार, ये स्वीट शॉप वगैरह, क्या करूँ यार मैं, मुझे लगा था यहाँ के खुला होंगे, अभी एक तो टाइम 8 भी नहीं बजे ना अभी यार, अब क्या करूँ यार, मेरा मिठाई का प्लान तो कैंसिल ही हो गया यार, शिट यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार। अब मैं घर से बोल के आया कि मैं मिठाई ले जाऊँगा, और बजरंग बली ने सुन दिया होगा तो फिर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे वो। चलो देखते हैं, अगर बीच कहीं रास्ते में स्वीट शॉप मिल गई तो ठीक है, वरना फिर फ्रूट्स ही लेके जाने पड़ेंगे। बाकी इतनी सुबह में काफ़ी टाइम बाद निकल रहा हूँ, मतलब इतनी सुबह भी नहीं है, मतलब 8 तो बज गए यार, और संडे राइड में मैं ना मतलब कब से नहीं गया, लिटरली मतलब 1 या 2 महीना हो गया होगा मेरे हिसाब से, 2 महीने तो हो गया, क्योंकि जब से समर वैकेशन स्टार्ट हुए थे ना तो तब से मैं घर चले गया था, देन उसके बाद मतलब पूरे 2 महीने होने वाले हैं, और वैकेशन ख़त्म होने के जस्ट बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तो तब भी मैं यहाँ पे राइड पे नहीं जा सकता था। बाकी अभी देखेंगे, कल परसों मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, मतलब प्रैक्टिकल भी हैं कुछ, बट एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना थ्योरी के, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है फिर, तो या उसके बाद देखेंगे। उसके बाद मेरा यहाँ पे 15 अगस्त का यहाँ पे प्लान है, जो लोग भी यहाँ पे देहरादून से देख रहे हैं ना, तो भाई 15 अगस्त तक तो यहाँ पे सारे व्लॉग्स देखना, क्योंकि यार
मैं ना 15 अगस्त के लिए यहाँ पे राइड प्लान कर रहा हूँ, तो देखते हैं मतलब अगर ज़्यादा लोग जाएंगे ना 3-4 बजे, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग आएंगे उस दिन, मतलब होंगे भी या नहीं देखते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जो भी कमेंट वगैरह आते हैं वो आते हैं असम से, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ बाहर बाहर से ही आते हैं, तो यहाँ देहरादून से तो एक दो ही आते हैं, कभी कभी आते हो। तो मैं 15 अगस्त से पहले ना एक ब्लॉग में आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम राइड प्लान कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आना है, बाकी देखते हैं यार जो भी होगा आपको बता दूंगा मैं। अभी यहाँ से एक और मार्केट स्टार्ट तो हो गया, बाकी इस वाले मार्केट का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब आया तो मैं यहाँ बहुत बार पर ऐसा मतलब घूमा नहीं हो ना, तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कोई स्वीट शॉप होगी या नहीं होगी, वैसे होनी तो चाहिए स्वीट शॉप। ओह ये है यार यहाँ पर स्वीट शॉप, आई थिंक होगा कि अंकल के पास लग तो रही है, अंकल के पास शायद से कुछ, चलो यहीं से उठाते हैं यार, मिक्स मिठाई कर देना। तो गाइस फाइनली मुझे मिठाई मिल चुकी है भाई, अभी मैं थोड़ा खुश हूँ यार, वरना मेरे बजरंगबली नाराज़ हो जाते मुझसे, मतलब नाराज़ तो नहीं होते बट फिर भी मैं घर से बोल के आया हूँ ना, तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट। और GoPro Hero 9 से मोटो व्लॉग करके भी ना मतलब मज़ा ही आती है सच में। एक तो इसकी ना जो फ्रंट स्क्रीन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है हीरो 8 से, मतलब हीरो 8 के मुताबिक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और रियर स्क्रीन भी इसमें अब मज़ा ही आती है सच में। बाकी ये GoPro 9 से व्यू तो आप लोग कब से देख रहे होंगे, और आई थिंक बालाजी मंदिर आ गया है, हाँ आ गया है। अब यहाँ से मुझे जाना है अपोजिट साइड, मतलब ये राइट साइड जाना है मुझे, फटाक से चले जाता है ना। ओके एक स्वीट शॉप ये भी है, बट यहाँ पे से जब मैं यहाँ पे इससे पहले स्वीट ले गया था ना, मतलब लड्डू ले गया था उस दिन, तो भाई वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे यार, बिल्कुल भी। तो अपने बालाजी को ऐसे अनफ्रेश खिलाना अच्छी बात नहीं है। ये है भाई बालाजी धाम आपका, जय बजरंगबली, आप भी दर्शन कर लो चलो फटाफट। तो भाई अंदर तो मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, तो या अंदर से आने के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं बजरंगबली के, और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए यार सच में। और अभी यहाँ से चलते एक छोटी सी राइड पे, मतलब देखते कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि आगे साइड में गया नहीं, वहाँ ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यार। तो अभी यहाँ आगे पे एक चौक आएगा जहाँ मैं पहले भी गया था, इससे पहले, हाँ इससे पहले गया था, तो उसी वाले रूट पे नहीं जाऊँगा, मतलब आधा आधा उसी वाले रूट पे जाना है, देन उसके बाद से ना वहीं पर एक रोड अलग से कट जाएगी, तो फिर वहाँ के लिए मैं मुड़ जाऊँगा, क्योंकि वो वाली रोड ना एक मंदिर के लिए भी जाती है, मंदिर का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब सिद्ध मंदिर है ना वो, 4 सिद्ध है देहरादून में पूरे, तो उनमें से एक सिद्ध उसी वाले रूट पे है, तो देखते हैं आधा तक जाएंगे वहाँ, और अगर पूरा जा पाए तो पूरा ही चले जाएंगे सिद्ध मंदिर। और ये है वो चौक, यहाँ से लेना है मुझे लेफ्ट, यहाँ पे तो ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है अभी तो, मतलब क्या ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है यार। और यहाँ आगे पे से एक यहाँ पे टर्न था यार, मैंने बस गूगल मैप में देखा था कहाँ पे होगा, वहीं से मुझे लेना है राइट, आई थिंक ये है, हाँ इधर ही जाना है शायद से, तो चलो इधर ही चलते फटाक से, क्योंकि परसों जब मैं गया था ना शाम को, तो मैं सीधा आगे गया था, एंड अभी यहाँ जाना। अरे यार ये फिर यार, मैंने कहा था ना, ओए डॉगू कहाँ घूम रहे हो आप यार, मैंने बोला था ना ये जो ये वाली है ना सीमेंटेड रोड, ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती सच में, मतलब कभी भी नहीं यार। वाइब्रेशन देखो स्कूटी में, ये देखो ये देखो। ओके सो फाइनली अभी आ चुके भाई डामर वाली बढ़िया बढ़िया से प्लेन प्लेन सी रोड। ओ भाई ये स्कूल है क्या यहाँ पे? ओके ये टॉन्स ब्रिज है, अच्छा ये है टॉन्स ब्रिज, अच्छा ये नदी के बिल्कुल ही पास है भाई, आजकल तो नदी बहुत ज़्यादा तेज आई है। आए हाय 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 यहाँ की रोड देखो क्या ये मस्त है, एकदम ऐसे जन्नत वाली फील आ रही है भाई, और सीमेंटेड वाली रोड से तो भाई ये लाख गुना बहुत ही अच्छी है। बाकी ये वाला रूट मेरे लिए बिल्कुल नया है, मतलब बिल्कुल ही नया है भाई, मैं आज से पहले यहाँ कभी भी नहीं आया हूँ, कभी भी नहीं। ओहो फिर से जंगल वाला एरिया स्टार्ट। भाई गाय माता आपके लिए मेरे पास रोटी है, रुक जाओ ये लो अरे थोड़ा सा और है ये लो, चलो भाई। तो यार अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि वो जो मंदिर है ना एक कोई सिद्ध मंदिर है, मैंने हाँ ये है मांडू सिद्ध मंदिर, तो आई थिंक वो हाँ देखो यही है, 2.2 किलोमीटर आई थिंक आगे जाना है मुझे इस वाली रोड पे, तो जब मैं इधर तक आया हूँ ना तो वहाँ तक चल लेते हैं यार। चलो भाई चलते हैं यहाँ से 2.2 किलोमीटर है, बाकी रोड तो मुझे ऐसी दिख रही थी, मतलब एक ही रोड दिख रही थी, सीधी रोड तो नहीं है, मुझे लगा था कि उसका रास्ता ना कहीं पीछे से ही कट जाता होगा, बट ऐसा नहीं है यार। भाई यहाँ से किधर होगा मांडू सिद्ध मंदिर, आई थिंक आगे ही होगा यार। भाई कहाँ आ गया मैं, वेट यार मैप में चेक करता हूँ, फिर ज़्यादा आगे जाके क्या फ़ायदा, यहाँ पे तो तिराहा आ गया, एक रोड नीचे को जा रही और एक ऊपर को जा रही, एंड एक वही उधर के लिए जा रही राइट साइड रिसेंटर, कहाँ हूँ मैं, अबे भाई मैं कहाँ आ गया, ओ यहाँ देखो यार ये नीचे जाएगा शायद से यहाँ जितना मुझे लग रहा है। बाकी मैं पूछता हूँ यार मांडू सिद्ध मंदिर किधर होगा, इन भैया को पता होगा क्या, भैया मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ होगा, मांडू सिद्ध मंदिर
उधर से जाते हो, आगे से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओ भाई ये वाली रोड देखो, आए हाय हाय, तो दोनों रोड जाती हैं, ये वाली रोड भी जा रही है एंड जो आगे से जाती है ना वो भी जाती है। ये वाली वही भैया ने बोला थोड़ा सा कच्ची है, मतलब ये वही सीमेंटेड रोड है, बढ़िया थोड़ा अच्छी वाली सीमेंटेड रोड है यार। ओहो हो, यहाँ की तो डाउन है भाई। भाई ये तो नहीं है मुझे लग रहा, ये भैया ने मुझे लग रहा पता नहीं कहाँ का ही बताया यार, मैप चेक करता हूँ। किधर होगा यार, इधर ही है क्या? हाँ इधर ही है, इधर ही है, वो यहाँ से 1.4 किलोमीटर आगे। यार यहाँ की रोड क्या है यार, ऐसे यहाँ देखो छी एकदम प्लेन भी नहीं आ रही है, देखो तो बम्स वगैरह यहाँ देखो ये मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ होगा भाई? यहाँ ये बोर्ड लगा है, इधर होगा क्या भाई? इधर के लिए बोर्ड लगा है, किधर के लिए लगा है? आगे होगा शायद से, जितना मुझे लग रहा है इधर होगा। किधर होगा यार भाई, बोर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा यार। अंकल ये मांडू सिद्ध मंदिर किधर? नीचे ही है। चलो भाई फिर से सीमेंटेड रोड स्टार्ट, ऐसा कैसे घूम गए यार? मुझे लग रहा ना मुझे उधर से ही कहीं से आ जाना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी कि मैं ऐसे घूम के आ रहा हूँ इधर। भाई अब यहाँ से ऊपर है या इधर है? यार कितना कंफ्यूज हो गया मैं आज, शिट। भाई यहाँ से ऊपर जाऊँ या इधर जाऊँ? मैप में देखना पड़ेगा फिर से। सीधे दिखा रहे हैं वैसे, हाँ एक रोड नीचे की तो मुझे सीधे जाना है। ओके, कभी कभी मैप हेल्प कर देता है वैसे, बट कभी कभी तो नहीं करता है, मतलब 50-50 चांसेस रहते हैं सच में, 50 करता है 50 नहीं करता है। ये है वो मंदिर, शायद यहीं से जाते होंगे ना अंदर, तो आई थिंक यहीं पे करते होंगे गाड़ी पार्क। हाँ आई थिंक यही तो है यार। भाई साहब फाइनली पहुँच चुके हैं भाई मंदिर, एंड चलो यार हेलमेट वगैरह उतारता हूँ वो, एंड उसके बाद चलो यहाँ के भी दर्शन करते हैं, एंड यहाँ का व्यू एकदम मस्त है सर। चलो पहले अंदर चलते हैं, हेलमेट उतार दे, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइस फाइनली मंदिर से दर्शन करके भी आ चुका हूँ, एंड ये रहा मंदिर। बाकी अंदर ब्लॉग बनाना वैसे अलाउड तो था, बट यार मंदिर के अंदर ब्लॉग करना ना मुझे खुद से बिल्कुल भी पसंद नहीं यार, क्योंकि मंदिर के अंदर ब्लॉग करना एंड ऐसा कुछ टाइप का। आप आओ अपने दर्शन करो और घर चले जाओ। बाकी अभी यहाँ से सीधा घर जाता हूँ एंड कुछ फोटोज़ वगैरह लेता हूँ। अभी सेटअप इसे अभी नहीं करूँगा मैं, इसको कैमरे को मतलब अपने हेलमेट पे थोड़ा देर में करूँगा, क्योंकि वहाँ आगे मेरा ब्रिज वगैरह, तो वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज़ आएंगी। बाकी यहाँ के भी दर्शन अच्छे हो गए और बालाजी के भी दर्शन हो गए। बाकी अभी यहाँ से सीधा डायरेक्ट मैं घर जाऊँगा। बाकी अभी रास्ते का मुझे पता नहीं यार मैं कहाँ से जाऊँगा, मतलब मैं घूम के नहीं जाना चाहता उधर बिल्कुल घूम के। बाकी देखते अगर बीच से किसी को पूछेंगे रास्ते का। बाकी चलते हैं अभी। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से थोड़ा सा आगे, इस वाले ब्रिज की मैं बात कर रहा था, अभी फोटोज वगैरह काफ़ी अच्छी आएंगी। एंड अभी मुझे यहाँ पे मेरा दोस्त मिला, ये देखो। ओए ओए डॉगो क्या चाहिए तुझे? अल्ले अल्ले गुड्डू अल्ले अल्ले रुक। ओए यार मेरे पे कुछ है भी नहीं, और मेरे पे रोटी वगैरह थी वो मैंने दे दी थी गाय को, मतलब गाय माता को। अभी मेरे पे प्रसाद बचा होगा, रुक जा मेरे पीछे कहाँ आ रहा तू? मेरे पे थोड़ा सा प्रसाद होगा ना वहाँ का, देखते अगर ये खाएगा तो अच्छी बात है। अबे ये खुलेगा कैसे? रुक जा, ये ले खाएगा, प्रसाद है बजरंग बली का ले। अबे मीठा भी नहीं खाता क्या तू? हाँ चाट रहा मेरा बस, ओ खा रहा है, है, है समझदार है, चलो खा ले तू, ठीक है। बाकी देखो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा एक दो फोटो वगैरह लेता हूँ थंबनेल के लिए, एंड उसके बाद यहाँ से सीधा भाई सेटअप करके घर चले जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे वैसे फोटोज वगैरह अच्छी तो आएंगी, खा ले प्यार से खा ले। चलो तो यहाँ मिलता हूँ अभी आपको सीधा मोटो ब्लॉक पे। सो गाइस फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, चल ठीक है भाई। ओए भाई कभी क्यूट से आयो, मेरे साथ आएगा क्या, मेरे घर आएगा क्या डॉगू? हैं अल्ले मेरा डॉगू अल्ले मेरी गुग्गी। चल भाई, भाई मुझे तो घर जाना है, हट जा। चल भाई फिर कभी आऊँगा तो फिर कभी मिलूँगा तुझसे, ठीक है। सो फाइनली निकल चुका हम घर के लिए, और वो सामने रहा मेरे मंदिर, एंड अभी मैं बीच में कहीं भी नहीं रुकूँगा, डायरेक्ट घर के लिए चले जाऊँगा यार। बस मुझे घर के लिए रास्ता ढूँढा अभी। मेन टास्क तो अभी मेरा वही है कि कहाँ जाना है, मतलब किधर से जाना है मुझे घर। फिर से आ चुके हैं हम उसी सीमेंटेड वाली रोड पे, बस मतलब थोड़ा सा यही सीमेंटेड रोड, उसके बाद तो सीधा मेन रोड स्टार्ट हो जाएगी यार। बस प्यारे प्यारे सी लोकेशन को, उस जंगल वाली लोकेशन को छोड़ के अभी हम यहाँ इस खर वाली रोड पे आ चुके हैं भाई। बाकी भाई पहुँच चुके हैं हम अभी मेन रोड पे, यह बात। चलो भाई ये लो भाई, आ चुके अभी हम मेन रोड पे, और अभी तक क्या ही मैं खाली से एकदम मस्ती करते हुए चल रहा था आराम से सुकून में, और अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक, और अभी टाइम हो रहा है 9:22, तो घर में पहुंच जाऊंगा 9:35 तक। सो या अभी यहां से बस मैं सीधा घर चले जाऊंगा। सो ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो कॉमेंट विल योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुचिक।